हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई ट्यूशन। शिक्षा एक सुंदर भविष्य पाई आज लाइव क्लास को मुझ समस्त स्वागत करुच्ची। पिलाने तुम्हें मैंने ई ट्यूशन विषय समस्ते जाथ मोर आशा अच्छी। ई ट्यूशन हूँ आम एक ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जो थे तुम्हें निजर पाठ्यक्रम निजर विषय वस्तु को इनोवेटिव वे रे वीडियोस देखी कि डिजिटली लर्न करजर समस्त डाउट क्लीयर कर सबुद लाइव क्लास जॉइन करापी तुमको कौन कराया पड़ो आम ई ट्यूशन एप को गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करने को पड़ो। ठीक अच्छे पिलाने आज आम तुम तृतीय पाठ ज्यामितर मौलिक धारणा विषय पढ़ुले तार आम पार्ट फोर पढ़ा आर्वर आम तीन टा पार्ट पढ़ी सारे। प्रथम पार्टी आम कौन पढ़िले ज्यामितर किसी धारणा ने ज्यामिति विषय आम आगुरी कौन जाणीचे ज्यामिति आम दैनंदिन जीवन में ज्यामितर कौन अवदान अच्छी ता विषय जाणिले हना ना। तृतीय द्वितीय दिन आम कम पढ़ द्वितीय पार्टी आम कम पढ़िले बिंदु विषय पढ़िले बिंदु सरल रेखा वक्र रेखा समांतर सरल रेखा एसब विषय पढ़िले। तृतीय पार्टी आम कौन पढ़िले एकरेखी बिंदु क्या कहुए रश्मि क्या कहुए रेखाखंड क्या कहुए आबद्ध चित्र क्या कहुए ये सब विषय पढ़ी सारीचे। पाने आज आम आर नेक्स्ट वक्ररेखी सीमारेखा विषय जाणी। पाने तुम्हें समस्ते आम भारत मानचित्र सह अवगत समस्ते आम पिलाबेलू परिचित भारत मानचित्र सह ओडिशा क्यों स्थान रे भारत मानचित्र अच्छी भी आम जाणीचे हना ना। ओडिशा क्यों स्थान रे अच्छी भी जाणीचे ताहले पिलाने ओडिशा गोटे निर्दिष्ट सीमारेखा मध्य अवस्थित हना ना। ओडिशा गोटे निर्दिष्ट सीमारेखा मध्य अवस्थित ओडिशार सीमारेखा है यहाँ को आम ओडिशार कौन कहवा ओडिशार सीमारेखा कहवा सेपर समस्त राज्य निज निज सीमा जमी मध्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश है बिहार है वेस्ट बेंगल है समस्त राज्य निज निज सीमारेखा मध्य आवश्यक समस्ते निज निज सीमारेखा आवश्यक आज निजे मानने जड़े अलग जन अलग जन राज्य ठू निज निज सीमारेखा मध्य पृथक होती हना ना। जमीती आम ओडिशा है ओडिशा आमर पखपाख राज्य आमर मान आमर आम पखपाख राज्य मानु जमी वेस्ट बेंगल आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड ए सब राज्य निजक पृथक करा निज सीमारेखा द्वारा हना ना। ताहले यही सीमारेखा को आम कौन कह पाने वक्ररेखी सीमारेखा बोली कह कौपाई वक्ररेखी कह बंका बंका अच्छी हना ना। आमर ओडिशार मानचित्र कि जो भी राज्य मानचित्र कौन बंका बंका समस्ते निज सीमारेखा मध्य अवस्थित ताकि कौन कह वक्ररेखी सीमारेखा बोली कह पाने आम घर आम घर परिसीमा आम मापी जाणीचे घर परिसीमा आम समस्ते जाणीचे से हीपरी खेल पड़िया है आम विद्यालय परिसीमा है समस्ते कौन गोटे गोटे सीधा आम सड़ख सीमारेखा मध्य अवस्थित हना ना गोटे सड़क आब जमी आम भारत मानचित्र बंका बंका अच्छे सेमती तो ना आम सीधा होना ना। ताहले आम क्या कौन कह सरल रेखी सीमारेखा बोली कह जमी घर रहा सरल रेखी सेपरी खेल पड़िया विद्यालय समस्त आमर सीमारेखा गुड़ा कौन सरल रेखी सीमारेखा। ठीक अच्छे पाने आम समस्ते जान लें क्या वक्ररेखी सीमारेखा क्या सरल रेखी सीमारेखा कहुए एवं आम अंतस्थ बहिस्थ बिंदु चिन्हवा ये पाने कौन देखा तुम्हें पाच कह देख ये गोटे फुटबल मैच होना ना गोटे फुटबल मैच होतेक दर्शक बाहर थी देखुं केतेक सीमारेखा उपड़ा हो देखुं हना ना। तो आम जो सीमारेखा भितर सीमारेखा भितर जहाँ भी देखा तुमको ताको आम अंतस्थ कह सीमारेखा उपरि जो मैंने ढाई आम कौन कह सीमारेखा उपरिस्थ आ बाहर जहाँ जो मैंने ढाई सीमारेखा बहिस्थ बोली कह हना ना। तो आम कौन शिखिले पाने जो बिंदु सीमारेखा मध्य अवस्थित कौन सी एक आबद्ध चित्र सीमारेखा मध्य अवस्थित ताको आम अंतस्थ बिंदु बोली कही था सीमारेखा बाहर अवस्थित थी आम कौन कही था बहिस्थ बिंदु बोली कही था आ सीमारेखा उपर अवस्थित थी कौन कही था आम मैंने सीमारेखा उपरिस्थ बिंदु बोली कही था। ठीक अच्छे पाने आबद्ध चित्र आमर कौन ख और घ चित्रटी आम गोटे आबद्ध चित्र हना ना गोटे त्रिभुज तीनोटी रेखाखंड द्वारा आबद्ध चित्र से हीपरी वृत्त गोटे गोलाकार वृत्त गोटे आबद्ध चित्र बोली आम समस्ते जाणीचे। ताहले
आंकर बही गोटे एई एल एम एन आम त्रिभुज है एल एम एन रे पी बिंदुटी आम बहिस्त बिंदु होना ना पी बिंदुटी आम बहिस्त बिंदु जहाँकि सीमारेखा बाहर अच्छी आम कौन कह बहिस्त बिंदु बोली कह सेपरी पिलाने वृत्त में देख ल वृत्त गोटे आबद्ध चित्र आबद्ध चित्र मध्य जेड अवस्थित जेड बिंदुटी अवस्थित ताल सीमारेखा मध्य अच्छी आम कौन कह सीमारेखा अंतस्थ बिंदु बोली कह एबे कह क ओ ग आमर गोटे गोटे आबद्ध चित्र नुहंती आम आबद्ध चित्र विषय पूर्व क्लास रे पढ़ी आबद्ध चित्र नुहंती ताहले मानको आमे कौन कह उन्मुक्त चित्र कह ना एम गोटे पार्श्व खोला अच्छी जो भी पार्श्व खोला अच्छी ताहले आमे ताको आबद्ध चित्र कहीपर ना ताहले पिला माने आमे आबद्ध चित्र अंतस्थ बिंदु बहिस्थ बिंदु जापर ना ठीक अच्छे एबे पिला माने आमे कोण विषय जानिबा ठीक अच्छे पिला माने आमे कोण विषय आगरु परिचित होना ना दुईटी रश्मि जो प्रांत बिंदु रे जो शीर्ष बिंदु रे जोड़ी माने अवस्थित होती जदि गोटे प्रांत बिंदु रे आमर दुईटी रश्मि अवस्थित ताहले सेठी गोटे कोण सृष्टि होता है होना ना जो गोटे जदि दुईटी जदि रेखाखंड परस्पर को छेद करते सेठी मध्य कोण सृष्टि होता है ना कोण विषय आम समस्त जानचे समकोणी समकोण क्या कहुए सूक्ष्म कोण क्या कहुए स्थूल कोण क्या कहुए होना ना ताहले पिला माने एठारे दुईटी रश्मि कौन कौन हेले आमर दुईटी रश्मि बी ए रश्मि आउ बी सी रश्मि हेले होना ना पिला माने एहाकु ए कोणर नाम आम केमती दे पारिबा कोण ए बी सी बोली कि लिखि पारिबा एहाकु अथवा आम बी कोण बोली लिखिपर किंतु बी कोण आम कौ परिस्थिति रे लिखि पारिबा जदि गोटे कोण थी पिला माने जदि दीटी कोण जदि तुमको दिए मन कर बी शीर्ष बिंदु रे जदि दीटी कोण सृष्टि हैला दीटी कोण सृष्टि हैला ताहले आम बी कोण कहीपर ना कारण दुईटी कोण सृष्टि होउची एही क्षेत्र रे आम शीर्ष बिंदु को मझे रखी यार कोणर नामकरण करथौ मन कर डी बी ए होची आमर गोटे कोण आउ ए बी सी होची आमर अन्य कोणटी एहाको आमे बी कोण बोली कहीपर ना किंतु जदि आमर गोटे कोण एपरी जदि थिबो ताहले आमे बी कोण बोली कहीपर ठीक अच्छे से पिला माने आमे कोण आउ को जगार कोण देखि थाउ कोण आमर बहीर धार जानिचु पिला माने बहीर धार कोण रेखाखंड द्वारा आबद्ध होना ना से धार जगार कौन गोटे कोण सृष्टि होना ना ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण सृष्टि होना ना जपरी पिला माने आम हाथ पापुली देखा आम वृद्ध आंगुली आउ ये आंगुली मधुर गोटे कोण सृष्टि होना दुईटी रेखाखंड यहाँ गोटे मन कर रेखाखंड यहाँ गोटे रेखाखंड ये जगार जॉइंट अच्छा तो ताहले आमर यहाँ गोटे कोण सृष्टि होने गोटे कोण बोली कहवा सेपरी अगर कौ जगार कोण देखुचे आमर गोटे यहाँ डिवाइडर अच्छी ठीक अच्छे डिवाइडर दुईटी दुईटी बाहू अच्छी दुईटी बाहू मध्य जो शीर्ष बिंदु ये शीर्ष बिंदु सृष्टि होती गोटे कोण सृष्टि होपरी घंटा घंटा मिनिट घंटा मध्य गोटे कोण सृष्टि होपरी आमर सेट स्क्वायर मध्य कोण तीन टी सृष्टि होना कि ना गोटे त्रिभुज टाइप सृष्टि होती तो आम तीनोटी रेखाखंड द्वारा आबद्ध तो तीनोटी कोण सृष्टि होनो शीर्ष बिंदु थे बुझीला पिला माने आमे एबे कोणर अंतस्थ और बहिस्थ बिंदु विषय जानिबा पिला माने अंतस्थ बहिस्थ बिंदु कोण आमर कोण अंतस्थ बहिस्थ बिंदु को परस्पर को पृथक करते हैं कोणर भीतर पाखरे जहाँ थी ताको आमे अंतस्थ बिंदु बोली कहिबा बाहर पाखरे जहाँ थी ताको बहिस्थ बिंदु कह बोली कहिबा आमर अंतस्थ पाखरे पिला माने एठी देखो एन गोटे अंतस्थ बिंदु आ पी होची आमर बहिस्थ बिंदु ताहले एन प्रकार आमे अनेक माने असंख्य आमे अंतस्थ बिंदु आमे कोण भितर टाणी परिबा से परि असंख्य आमे बहिस्थ बिंदु मध्य टाणी परिबा बाहर ताहले आमर बी ए सी कोण मध्य एन कोणटी होउची आमर अंतस्थ कोण आ पी आउ एम कोण एम बिंदुटी होउची आमर बहिस्थ बिंदु ठीक अच्छे एबे पिला माने मते ए पार्श्वस्थ चित्र देखिकी क्वेश्चन आंसर करिबा ठीक अच्छे पार्श्वस्थ चित्र रे पिला माने केतोटी कोण अच्छे कह एटा गोटे की प्रकार चित्र पिला माने गोटे चतुर्भुज होना ना ए बी सी डी होची आमर गोटे चतुर्भुज पिला माने बी डी गोटे साधारण बाहु एही चतुर्भुज को द्विखंड करिची होना ना द्विखंड करिची ताहले आमर कोण सृष्टि होईची दुईटी त्रिभुज सृष्टि होईची ए बी डी त्रिभुज आउ
बीडीसी त्रिभुज दुईटी त्रिभुज सृष्टि ताले गोटे त्रिभुज में आम कतोटी कोण थाए पिला माने तीनोटी कोण ताले दुईटी त्रिभुज में कतोटी कोण हम छटी कोण हम है ना आमर ए कोण ए डी बी कोण ए बी डी कोण सी बी डी कोण सी डी बी कोण सी कोण छटी कोण हला ना नाही छटी कोण हला इले पिला माने आमर कौन कहुच्छे पार्श्वद चित्र में कतोटी कोण अच्छे छटी कोण अच्छी आम जाने केवल शीर्ष बिंदु को नहीं क्यों क्यों कोण नामकरण कर पाने खाली केवल शीर्ष बिंदु को आम जदि ना शीर्ष बिंदु आमर कतोटी अच्छी ए बी सी डी तो आम कतोटी कोण नामकरण कर समस्त कोण आम नामकरण करना क्यों कोण मानक साधारण बाहू अच्छी पे क्यों कोण मानक साधारण बाहू अच्छी बी कोण और डी कोण रो साधारण बाहु अच्छी कौन बाहु अच्छी बी डी बाहु अच्छी है ना नहीं आम जान लें सब विषय तापर पे आम कोण मानक संबंध जानवा आम समस्ते समकोण सूक्ष्मकोण स्थूलकोण एति ही जाचे आम पूर्व आम पूर्व श्रेणी मानक समकोण सूक्ष्मकोण स्थूलकोण विषय में खाली जाचे किंतु पे जो दुईटी कोण थी गोटे शीर्ष बिंदु जो दुईटी कोण अवस्थित थे मध्य कौन कौन संपर्क अच्छे से विषय जानवा ये पे देख पार्श्वद चित्र ए बी डी हूँ गोटे कोण ए बी डी हूँ गोटे कोण तक शीर्ष बिंदु कौन बी हूँ गोटे शीर्ष बिंदु गोटे साधारण बाहु कौन अच्छी पे बी सी हूँ गोटे साधारण बाहु बी सी साधारण बाहु में कतोटी कोण सृष्टि होती दुईटी कोण सृष्टि होती ए बी सी कोण ओ बी सी बी डी कोण ताहले एही दुई कोण मध्य संपर्क हला एमानको आमे सन्निहित कोण बोली कहिथौ कौन कौन कहिथौ सन्निहित कोण बोली कहिथौ गोटे समतल रे थिबा दुईटी कोण गोटे साधारण शीर्ष बिंदु थाई कि गोटे जदि साधारण बाहु थिबो ताहले सेई कोण द्वयर मध्य संपर्क को आमे सन्निहित कोण बोली कहिथौ परस्पर सन्निहित कोण बोली कहिथौ माने ए बी सी ए बी सी कोण ओ सी बी डी कोण आमर परस्पर परस्पर सन्निहित कोण ठीक अच्छे परस्पर सन्निहित कोण एबे पिला माने आमे देखिबा अनुपूरक कोण कहाकू कहाजे अनुपूरक कोण पिला माने ए पार्श्वद चित्र टी की प्रकार कोण तुमको देखा जाउछि गोटे समकोण देखा जाउछि हो ना नै गोटे आर मध्य गोटे साधारण बाहु अच्छी बी डी हूँ आम साधारण बाहू है ना नहीं बी डी हूँ आम साधारण गोटे रश्मि अच्छी बाहु अच्छी ताल दुईट कोण सृष्टि होती ए बी डी कोण ए बी डी कोण ओ डी बी सी कोण है ना नहीं दुईट कोण सृष्टि होती दुईट कोण रि जदि नब्बे डिग्री होता है तेल आम ताक परस्पर अनुपूरक कोण बोली कही था मनेकर ए कोणटी है आम तीस डिग्री ए कोणटी है षाठी डिग्री ताल दुईट कोण को जब मिसेवा केते हे पे नब्बे डिग्री हम एपरी कोण को आम कौन कही था अनुपूरक कोण कही था दुईट कोणर परिमाण समष्टि जदि नब्बे डिग्री होता है तेल गोटे कोण अन्य कोणटीर अनुपूरक कोण बा परस्पर अनुपूरक कोण बोली आम कही था ठीक अच्छे एवं आम परिपूरक कोण विषय जानवा जपरी अनुपूरक कोण परस्पर कोण जदि मिसले आमर कौन होता है नब्बे डिग्री होता है सेपरिपूरक कोण परस्पर कोण जदि मिसिकी शहे अशी डिग्री हमें तेल आम परिपूरक कोण बोली कहवा पाने यदि आम प्रोट्राक्टर टी जदि आम रखिकी आम मापिबा दुईटी जो कोणर परिमाण यहाँ मनेकर शहे कोड़े डिग्री यहाँ मनेकर षाठी डिग्री है दुईट कोणर परिमाण केते हबो पिला माने 60 डिग्री जोग 120 डिग्री केते हला 180 डिग्री ताहले आमे ताहु कोन कहिबा परस्पर परिपूरक कोण बोली कहिबा परस्पर परिपूरक कोणर परिमाण समष्टि केते 180 डिग्री ठीक अछि एबे मते क्वेश्चन रो आंसर कहिबो ठीक अछि निम्नलिखित केतोटी आमर जोड़ी दिया जाए जी को गुड़ा आमर परस्पर परिपूरक कोण आ को गुड़ा परस्पर आमर अनुपूरक कोण से विषय जानिबा जो गुड़ा 90 डिग्री हम जो कोण आमर 90 डिग्री हम ताक आम अनुपूरक कोण आ जो गुड़ा आमर 180 डिग्री हम ताक आम परिपूरक कोण कहू है ना ना ताल पाने आमर ये 68 आ 22 डिग्री दि जाए 68 22 डिग्री मिसले आमर के 68 डिग्री 22 डिग्री मिसले के 90 डिग्री हम है ना ना ताल 90 डिग्री ताल कि कोण अनुपूरक कोण से 163 डिग्री आ 17 डिग्री मिसले आम के
180 डिग्री हम तेल एटा कि प्रकार कौन परिपूरक कौन एपटे 73 डिग्री और 17 डिग्री मिसले के पाने 90 डिग्री हम तेल से कि प्रकार कौन अनुपूरक कौन से 80 डिग्री और 10 डिग्री मिसले के पाने 90 डिग्री हम तेल से कि प्रकार कौन अनुपूरक कौन से 42 डिग्री और 138 डिग्री मिसीबो जदि केते हबो पिला माने 180 डिग्री सेटा की प्रकार कोण परिपूरक कोण सेई परे 90 डिग्री जोगो 90 डिग्री केते हबो पिला माने 180 डिग्री ताले सेटा की प्रकार कोण परिपूरक कोण तमे समस्ते कोण बिषय जानिलो कोण मध्ये हमर कोण कोण संपर्क अछि मध्ये जानिलो हना नै तमे माने ज्यामितिर मौलिक धारणा रो आमे समस्त पाठ पढ़ी देले जदि कौन सी किछी भी डाउट थिबो किछी भी तमे बुझी पारु नथिबो तमे समस्ते कमेंट करिकी पचारी पारिबो आम ई ट्यूशन चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिया को भूलिबो नाही आउ जदि वीडियो टी भल लागिथिबा निश्चय लाइक करिबो ठीक अछि।